क्या शिव मंदिर के ऊपर बनी है अजमेर दरगाह? क्या तहखाने में है महादेव की छवि? क्या अजमेर शरीफ दरगाह वास्तव में शिव मंदिर है, या फिर क्या अजमेर शरीफ दरगाह मंदिर की खंडहरों पर बनाई गई है? नमस्कार, स्वीकार करिए, मैं हूं वैभव दीक्षित और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। हमने राम मंदिर देखा, हमने ज्ञानवापी देखा, जहां ये दावा किया गया कि मस्जिद की जगह मंदिर है और राम मंदिर उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, जहां मस्जिद की जगह मंदिर पाया गया। और अब देश में आग की तरह एक खबर और फैल रही है कि अजमेर शरीफ दरगाह मंदिर जहां बना है वहां पहले मंदिर था, शिव मंदिर था। मस्जिद के नीचे मंदिर का खंडहर है। आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। अजमेर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक दीवानी वाद दायर किया गया है। इसमें दावा किया गया है कि राजस्थान में अजमेर दरगाह एक शिव मंदिर के ऊपर बनाई गई थी और कोर्ट से मांग की गई है इसे भगवान श्री संकट मोचन महादेव विराजमान मंदिर घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही दरगाह समिति द्वारा परिसर पर किए गए अनधिकृत और अवैध कब्जे को हटाने की मांग भी की गई है। और इस मांग के बाद खबरें तेज हैं। लोगों के मन में सवाल है कि क्या वाकई ऐसा है? क्या राम मंदिर की तरह राजस्थान में शिव मंदिर के साथ भी ऐसा ही हुआ? अब जब इस मामले ने तूल पकड़ा है तो आपको बता दें कि इस केस की सुनवाई अब 10 अक्टूबर को होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। कोर्ट इसकी पहली सुनवाई में अपनी बात बताएगा। और ये मुकदमा जो है वो दायर किया है हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और अधिवक्ता शशि रंजन कुमार सिंह ने। दायर मुकदमे में क्या क्या दावा किया गया वो आपको बताता हूँ। उसमें बोला गया है कि मुख्य प्रवेश द्वार जो है उस पर जो छत का डिजाइन है वो हिंदू संरचना जैसा दिखता है और ये दिखाता है कि ये जगह मूल रूप से एक मंदिर था। इन छतरियों की सामग्री और शैली स्पष्ट रूप से उनके हिंदू मूल को दर्शाती है। उनकी उत्कृष्ट नक्काशी दुर्भाग्य से रंग और सफेदी के कारण छुपी हुई है, जो इसे हटाने के बाद इसकी वास्तविक पहचान और वास्तविकता को देखा जा सकता है, ऐसा उस केस में बताया गया है कि ये सारी चीजें जो है मस्जिद के अंदर है जो मंदिर होने का उसको प्रमाण देती है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जो दर्शाता हो कि अजमेर दरगाह खाली जमीन पर बनाई गई। साथ ही ये भी मांग की गई है कि अजमेर में संपत्ति के अंदर मौजूद महादेव लिंग के स्थान पर वर्तमान संरचना को हटाने के बाद भगवान श्री संकट मोचन महादेव मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाए और पूजा भोग देवता के अनुष्ठानों के लिए हर व्यवस्था की जाए। अदालत से प्रार्थना की गई है कि दरगाह समिति और सरकार के लिए काम करने वालों को संपत्ति में किसी भी तरह से प्रवेश करने या उपयोग करने से रोका जाए। मुकदमे में दरगाह को ध्वस्त करने और उसके स्थान पर एक मंदिर के निर्माण के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है। अब देखने वाली बात होगी क्या हिंदू पक्ष की तरफ से किया गया ये दावा सच होगा या फिर झूठ। लेकिन ये बात तो तय है, अगर मामला तूल पकड़ेगा तो एक बहुत लंबा समय खींचेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि राम मंदिर का केस कितने दिनों तक चला, सालों चला, और लगभग धर्म के मामले जो है कोर्ट में एक लंबा समय लेते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह के बारे में आपको बताता हूँ। अजमेर शरीफ दरगाह जो है वो भारत की सबसे अधिक पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक मानी जाती है और अजमेर के सीमा चिन्ह के रूप में भी ये प्रसिद्ध है। पर्शिया यानी फारस से आए सूफी संत जो है उसमें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की समाधि भी यही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर सरकार का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है और ये मामला कितना दूर पकड़ता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।